नमस्ते। आज हमारे साथ प्रसिद्ध कवि मिथिलेश जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं। मिथिलेश जी, आपका स्वागत है जन सरोकार मंच। शुक्रिया देवेंद्र जी। आज मैं आपके दर्शकों श्रोताओं के लिए कुछ कविताएं सुनाऊंगा जिनका संबंध प्रकृति से है, जैसे नदियां, जैसे समुद्र, जैसे कबूतर। कुछ इस तरह की कविताएं मैं आपके श्रोताओं के लिए सुनाता हूं। तो पहली कविता है नदी से नाता। नदी से नाता, पानी दो किनारों के बीच से बहता हुआ गुजरता है निर्विघ्न, रास्ते में आई सारी रुकावटों को आगे धकेलते और ध्वस्त करते हुए अपने आप को ताजा और शीतल बनाए हुए, विनाश को रोकने की पूरी कोशिश में। पानी को मालूम है उसका थक कर किसी जगह रुक कर बैठ जाना प्रलय को आमंत्रण है, एक नए और अस्वस्थ प्रलय का जिसका चेहरा हमने अभी तक देखा नहीं है। पानी रुकना नहीं चाहता, नदी बहते हुए चलती है। एक नई सभ्यता जन्म लेती है पानी के दोनों तरफ, गहरी रात में बहते पानी के धार में से सुरीले संगीत गाती नदी को अपनी नींद में भी महसूस कर सकता हूँ। नदी का गाना सदियों पुराना है, एक ही गीत को नदी हर पल हर रोज नहीं गाती है। संगीत नदी के नए पानी के साथ ही नया हो जाता है। हर रात मैंने रात के गहराने का इंतजार किया है, हर रात मैंने नदी में नए पानी के आने का इंतजार किया है। चांदनी में नए पानी की चमक को देखने का इंतजार किया है और संगीत की नई स्वर लिपि को साफ साफ सुना है। मेरे पुरखों के आने के पहले से नदी गाती हुई चली आ रही है। नदी के संगीत से पैदा हुए होंगे एक स्त्री और एक पुरुष। इसी नदी के तट पर मेरे पुरखे एक के बाद एक आते गए होंगे, नदी के संगीत पर थिरकते और अपने जीवन को नदी की तरह सरल और मानवीय बनाए हुए। हम सरल कहाँ रह गए? एक दिन हम नदी से 40 किलोमीटर दूर हुए और हमने लिखा, नदी हमसे 40 किलोमीटर दूर चली गई। फिर हमने नदी से 1000 किलोमीटर दूर अपना आशियाना बनाया और कहा, नदी हमसे बहुत दूर चली गई, उसका पानी गंदा हो गया, उसमें तैरना असंभव हो गया, उसकी काया नाले सरीखी हो गई। नदी से हमने धीरे धीरे संबंध विच्छेद कर लिया, नदी की आवाजें हम तक आनी बंद हो गई। संबंधों का विरोधाभास देखिए कि जल हमारा जीवन है, क्योंकि नदी में पानी है और उसी पानी से हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। नदी जब
उफन कर हमारे घरों में घुस आती तो हम यही समझते नदी हमसे क्रोधित है, चंद्रमा और तारे हमसे नाराज हैं, असहमत हैं। हमें तब कहां पता था, हमें तब कहां पता था कि बर्फ पिघलती है तो नदी उफन जाती है। एक नया रहस्य हमने समझा, बर्फ के पिघलने और नदी के उफनने के संबंध में। नदी के पानी में पुरखों की राख है, अधिजली रह गई हड्डियां हैं, पानी पर उनके हाथ और पैर के छापे हैं, नदी के संगीत में उनके दुख का राग है। नदी अब उदास रहती है, उसके संगीत की जरूरत किसी को नहीं है। रात भर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घर घराती ट्रकों की आवाजाही, फिसलता हुआ ब्रेक, अटकता हुआ गियर और रौद्र रूप धारण करता एक्सेलरेटर और उनके बीच कभी नहीं बैठने वाला तालमेल, हॉर्न और गति की आवाजें नदी के संगीत के लय को प्राणहीन कर देती हैं। चांदनी की उसकी आदिम तीव्रता को, जिसमें लोग अपने लीकों को देखते थे, खंभे से लटकते हुए बिजली के बल्ब की पीली रोशनी ने ग्रस लिया है। नदी आज भी गाती है खामोशी का गीत, नदी आज भी गाती है खामोशी का गीत, नदी जो अपने किनारों को नमीदार छायादार बनाए रखती है, आज उदास है अपने किनारों को पत्थर में तब्दील होते हुए देखकर। तो ये मेरी कविता थी नदी से नाता। अब अगली कविता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, कबूतर जैसा जीवन। यह कथा कबूतरों की है जो अपने साथ पूरी गृहस्थी अपने सिर पर उठाए उड़ान भरते हैं, घोंसले के बारीक तिनके चोंच में दबाए। पहले मुंडेरों पर आते हैं, जैसे वह शहर का रेलवे स्टेशन है। धीरे धीरे शहर के भीतर आमाते, थोड़ी सी सुरक्षित जगह की तलाश करते और कहीं भी टिक जाते हुए। कई बार उन्हें हम बोल बोल कर हुलकाते हैं। हुलकाना कोई अच्छी क्रिया नहीं है, इसमें शामिल रहता है डराना, अधमरा करना और उजाड़ देना। कई बार ताली बजा बजा कर उड़ाते हैं। ताली बजाना कोई अच्छी क्रिया नहीं है, डराना, अधमरा करना और उजाड़ देना। कई बार थाली पीट पीट कर भगाते हैं। थाली पीटना कोई अच्छी क्रिया नहीं है, डराना, अधमरा करना और उजाड़ देना। वे उड़ते चले जाते हैं ऐसे जैसे फिर लौट कर नहीं आएंगे। एक दिन फिर वे लौट आते हैं उसी जगह चुपचाप, अपनी गृहस्थी के साथ चोंच में तिनके दबाए, भूले हुए कि पिछली बार कई तरह से भगाए गए थे। विकास की आंधियों ने कबूतरों को यही जीवन दिया है। कबूतरों की अपनी एक भाषा है, उनके लिए सरल लेकिन हमारे लिए जटिल। हम उनकी भाषा समझने की कोशिश करते नहीं हैं,
हम उनकी सफेद मुलायम पाखियों पर मुग्ध रहते हैं, हम उनकी घोंसले बनाने की कारीगरी पर मुग्ध रहते हैं, हम उनकी मासूमियत और सरलता पर मुग्ध रहते हैं। इस बात के लिए भी मुग्ध होते हैं कि वे सरकार के आगे भिक्षा पात्र लिए सर झुकाए खड़े नहीं होते, वे आश्रम नहीं बनाते लेकिन आश्रमों में आश्रय बना लेते हैं, जहां से वे दुत्कारे भी जाते हैं। हम जब मुग्ध होते हैं तो कबूतरों को कबूतर नहीं समझते, मुंडेर पर मुंह में तिनके दबाए अपना कोई भाई होता है कहता हुआ कि आपके आश्रय में अपना आश्रय बना लूं। एक बहन कहती है, मांग में सिंदूर ढोते ढोते थक गई हूं, यहीं विश्राम कर लो। एक माँ कहती है, शहर ले चलो बेहतर इलाज की खातिर। मुग्धता टूटती है मुंडेर पर चोंच में, तिनके दबाए कबूतर ही कबूतर दिखते हैं। मैं एक कविता और छोटी सी सुनाना चाहूंगा। तो अब तक मैंने दो कविताएं सुनाई आपको, एक नदी से नाता, कबूतर जैसा जीवन, और तीसरी और अंतिम कविता सुनाना चाहता हूं, वह चुप रहती है। वह चुप रहती है, यह कविता तो कोरोना समय में लिखी गई थी, लेकिन कोरोना नहीं होता तब भी यह कविता लिखी ही जाती। वह चुप रहती है। महीने की आखिर में बहन के फोन आने से मैं व्याकुल हो जाता हूं। कहती कुछ नहीं है, मेरी तबीयत पूछती है। मैं कहता हूं ठीक हूं। वह भी कहती है सब ठीक है। मैं कहता हूं सब ठीक नहीं है। वह कहती है तो और क्या कहूं, और वह चुप हो जाती है। मैं कहता हूं एक दो दिन में पैसा भेजूंगा, वह चुप रहती है। मैं कहता हूं कहीं नहीं जाना, कुछ हो गया तो गोपालगंज में कुछ नहीं मिलेगा। गोपालगंज बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है। मैं कहता हूं कहीं नहीं जाना, कुछ हो गया तो गोपालगंज में कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा उसकी कीमत हम नहीं दे पाएंगे। मौत से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, मौत से लड़ने की हमारी औकात नहीं है। हमारे लिए कोई शोक भी नहीं मनाएगा। हमारी देह को कैसी गति मिलेगी नहीं मालूम। चंद सांसें बची हैं हमारे पास, इन्हें बचाना है। और इस मंच के सभी श्रोताओं और दर्शकों को मैं बधाई देता हूं, और कविता सुनने के लिए वे समय निकालेंगे और सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, इसके लिए मैं उनका सादर धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया देवन जी।